हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। और आज की इस वीडियो में आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि मैं किसका फैन हूं। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं ट्रेंडिंग के बारे में, जो कि नीलकमल सिंह का गाना एक नंबर ट्रेंडिंग में है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और ट्रेंडिंग वाला सेक्शन में हमने जाकर देखा तो उसमें कोई बड़ा बड़ा गाना नहीं है, इसीलिए नीलकमल सिंह का गाना एक नंबर ट्रेंडिंग में आ गया है। ट्रेंडिंग वाला चैनल होता है तभी गाना ट्रेंडिंग में जाता है, चाहे किसी का गाना हो। और ये बात हमने आप सभी को कई बार बता दिया है, चाहे कितना हो भी पछवाड़े का दम लगा लो, ट्रेंडिंग में गाना नहीं जाएगा। ट्रेंडिंग वाला चैनल रहेगा तभी गाना ट्रेंडिंग में जाएगा। अब बात रही मार्केट में कौन सा गाना सबसे ज्यादा बज रहा है और कैसे चेक करें। हर संडे को यूट्यूब एक चार्ट जारी करता है, जो कि टॉप म्यूजिक वीडियो का भी चार्ट जारी करता है। अगर उस लिस्ट में आ गया गाने का नाम, समझिए वो गाना खूब ज्यादा बज रहा है। और टॉप 10 के लिस्ट में शामिल हो गया तो समझिए गाना खूब ज्यादा बज रहा है। और कल संडे है, कल देखा जाएगा यूपी बिहार में कौन सा गाना धूम मचा रहा है इस समय। और सुबह 10 बजे मैं आप सभी के बीच लिस्ट लेकर आऊंगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आता है कि भाई आप किसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं और आप किसके फैन है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का फैन नहीं हूँ। अब बात रही मैं किसका सपोर्ट करता हूँ, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे आप लोग जाकर खुद चेक कर सकते हैं, मैं का सपोर्ट करता हूं। और हमेशा मैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने का कंपैरिजन करता हूं, कंट्रोवर्सी नहीं। कंपैरिजन और कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और कंपैरिजन करने के बाद कभी पवन सिंह आगे निकल जाते हैं तो खेसारी के फैंस को बुरा लग जाता है, वहीं खेसारी लाल यादव आगे निकल जाते हैं तो पवन सिंह के फैंस को बुरा लग जाता है। और दो चार लोगों को बुरा लगने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और आज हमने सनक फिल्म के ट्रेलर पे एक वीडियो बनाया था, जो कि बताया था कि इस फिल्म का स्टोरी घिसा पीटा है, यानी अच्छा नहीं है। और उस वीडियो में पवन सिंह के किसी भी फैंस का नेगेटिव कमेंट नहीं आया। और कल हमने एक वीडियो बनाया था कि फराक फाटल गाना पवन सिंह का है, लेकिन बहुत लोगों को बुरा लग गया। और इसमें गलती दूसरे का नहीं दिया जाएगा, इसमें गलती दिया जाएगा पवन सिंह के टीम का, कैसे लीक हुआ गाना, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और 10 दिन पहले हमने एक न्यूज भी बनाया था कि सिनेमा आर्ट से पवन सिंह का गाना आप सभी के बीच आने वाला है, और जिसको विश्वास नहीं है मेरा वीडियो जाकर चेक कर लो। और इस वीडियो से दो चार लोगों को बुरा लगेगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए सभी बराबर हैं, पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव, यानी सभी लोग बराबर हैं हमारे लिए। और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।